वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम बहुत फेमस है, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, ये बहुत जगह काम भी आती है, इसका जो कंसेप्ट है वो काम आता है। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी जो होती है उसी पे बेस्ड है ये, उसी का एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इंटरव्यूज में पूछी जाती है, क्यों? क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जितने भी अभी तक अपन ने पढ़ी उसमें सबसे जो फिट बैठती है, जो मतलब जिसकी टाइम सबसे सही है, वो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। उसके पहले क्विक देखी अपन ने, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, उसके भी इतनी सही नहीं बैठती जितनी इसकी बैठती, क्योंकि इसकी हर केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही होगी। ठीक है, क्विक सॉर्ट में अपन ने पढ़ा था कि उसके वर्स्ट केस में ऑफ एन स्क्वायर जा रही थी, इसकी एन लॉग एन ही होगी। ठीक है, चलो तो अपन हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट को करते कैसे है ना, क्या होता है मर्ज। मर्ज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मर्ज करना। ठीक, तो उसी कंसेप्ट पर अपन इसको करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर या डिवाइड एंड मर्ज बोल दो, बात एक ही हो गई। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि एग्जांपल जो दे रखा है बोर्ड पे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसका इंट्यूशन बता रहा हूँ, उसके बाद अपन इसका कोड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है। ये वैल्यूज दे रखी है 50, 40, 60, 10, 20, 70, 30, इनको तुमको सॉल्व करना है ना। मैंने तुमको क्या बताया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन कब होती है किसी भी चीज़ की, अगर वो एन सपोज की एन साइज है। ठीक है, उसको अगर एकदम एग्जैक्ट बीच में से तोड़ा जाए तो वो एन बाय टू और एन बाय टू में टूट जाता है। उसके बाद इनको भी अगर एग्जैक्ट बीच में से तोड़ा जाए, ये n/4, n/4, ये भी n/4, n/4, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता जाता है, कब तक, जब तक कि एक एलिमेंट ना बचे हमारे पास। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, तो ये आता है n अपॉन 2 की पावर कितना। देखो ये हर केस में तुमको n टाइम लगेगा है ना, यहाँ पे n टाइम लग रहा है, इन दोनों प्लस पर n टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी n टाइम लग रहा है। ठीक है, तो n बाय 2 इंटू 2 की पावर कितनी 2 की पावर हो सकती है, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे k ले रहा हूँ। ठीक है, जब तक एक एलिमेंट नहीं आता जब तक। ठीक है, और मैंने क्या बताया, हर स्टेप में n टाइम तो तुमको लग ही रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बाद उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी, तो इसको n इक्वल्स टू 2 की पावर k लिख दूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा लॉग n इज इक्वल्स टू k। ठीक है, ये तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, यानी कि हाइट जो हो गई, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री आ गई लॉग n, और हर केस में n तो जाना ही पड़ रहा है, इसमें n का मल्टीप्लाई कर दूं तो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। किस केस में होगी n log n, अगर मैं हमेशा बीच में से एकदम मिडिल ऑफ द अरे या मिडिल ऑफ द लिस्ट जो भी, उसको बीच में से डिवाइड करता ही जाऊँ, हर बार बीच में से डिवाइड करूँ, ठीक है, मिडिल से डिवाइड करूँ, तभी तो n बाय 2 से n बाय 4 आएगा है ना, तो तभी हमें n log n मिल सकती है। और अभी तक जितनी भी हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ी कि वर्स्ट केस n स्क्वायर जा ही रही है, अगर n स्क्वायर जा ही रही है तो फिर अगर n log n में कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो वही सबसे बेस्ट होगा, इसीलिए मर्ज सॉर्ट सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब अपन देखते हैं इसको कैसे इसे बीच बीच में से तोड़ सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया कंसेप्ट क्या है कि n log n अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लानी है, इसी तरीके से समझो मर्ज सॉर्ट को तो याद रहेगी। चलो ये दे रखा है मेरे पास अरे है ना, अब इसके इंडेक्स लिख देता हूँ मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब इसको तुमको ये अरे है, इसको तुमको बीच में से तोड़ना है ना, तो कितना है इसका साइज, कितना है 7 है, 7/2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 तक मैं एक पार्ट में तोड़ देता हूँ और इतने अलग पार्ट में तोड़ता हूँ। अभी इसकी जो साइज है वो है ऑड नंबर, ऑड नंबर में साइज है इसलिए एक तरफ 4 एलिमेंट आ रहे, एक तरफ 3 एलिमेंट आ रहे। अगर मैं इवन नंबर में साइज ले लूँ यानी 6 ले लूँ तो 3 इधर जाएंगे, 3 इधर जाएंगे, तो एक एलिमेंट अगर इधर आ भी जाएगा तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो लॉग इन नहीं आएगी उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो तो मैं इसको 2 में तोड़ता हूँ, 2 पार्ट में टूटा, एक में आया मेरा 50, 40, 60 और 10, दूसरा पार्ट आया मेरा 20, 70 और 30। ठीक है, एट द एंड ऑफ ऑल आवर डिस्कशन अपने को क्या चाहिए, सॉर्टेड अरे चाहिए है ना, तो सॉर्टेड अरे भी लाना है अपने को, यू नहीं कि सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आधे आधे तोड़ते जाओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले आओ, नहीं मुझे सॉर्टेड भी चाहिए। ठीक है, तो सॉर्टेड कैसे चाहिए अभी मैं देखता हूँ, अभी सिर्फ तुम डिवाइड करना सीखो, अभी सिर्फ हमारा क्या चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, ध्यान से देखो। अब इसमें 4 एलिमेंट है, इसका आधा आधा करूँगा तो आ जाएगा 50, 40 एक तरफ हो जाएंगे, 60 और 10 एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, फिर से इसको आधा आधा करूँगा, ये 50 और 40 हो जाएंगे, मैंने बोला एक एलिमेंट जब तक ना मिले, ये एक एक एलिमेंट मिल गया, अब यहाँ पर रुक गया, ये 60 10 हो गया, यहाँ रुक गया, इसको फिर से डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएंगे, 30 पता लगाएगा, 20, 70, 30। ठीक, इसको मैं डिवाइड करूँगा फिर से, ये हो जाएगा 20, 70, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया क्या करना है। इसके बाद में क्या करना है, हर बार एंड टाइम कैसे लगेगा वो भी देखें, हर स्टेप में एंड टाइम लगा, अभी तो तुमने सिर्फ थोड़ा कार्य कर दिया है ना, इसको तोड़ दिया मतलब, तो अब इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करना है ध्यान से देखना, सॉर्ट कैसे करना है यहाँ से देखो, जब मैंने इनको 2 में तोड़ा ना, 2 में
तो मेरे को ना यहाँ पे क्या चाहिए, इस स्टेप में मेरे को ये चाहिए कि दोनों सॉर्टेड आ जाए, ये दोनों अरे सॉर्टेड आ जाए और फिर मैं इनको मर्ज कर लूँ। ठीक है, दो सॉर्टेड अरे को मर्ज करना बहुत आसान है, मैंने तुमको पहले भी बताया था, है ना। वो उस क्वेश्चन की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, अगर नहीं ट्राई किया तो पहले उसको ट्राई कर लो, मर्ज टू सॉर्टेड अरे, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर उसको ट्राई करो पहले। ठीक है, क्योंकि वही वाला कंसेप्ट लगने वाला बिल्कुल नहीं आता। चलो भाई देखते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने दो में तोड़ा ना, मेरे को चाहिए क्या, ये दोनों सॉर्टेड आ जाए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉर्टेड चाहिए, तो मेरी ना ये एक प्रॉब्लम थी, इसको मैंने दो में तोड़ा कि यार ये दो सॉर्टेड आ जाए, इन दोनों को मर्ज कर दो तो मेरी मेन अरे सॉर्ट हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे जब मैं है ना, तो मेरे को लगा कि यार इसको भी तो मैं दो में तोड़ सकता हूँ, तो मैंने इन दोनों को तोड़ लूँ, इसको मैं दो में तोड़ दूँ, 50 और 40 मेरे को मिला, इधर 60 और 10 मिला इसको तोड़ने में। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा यार इन दोनों को सॉर्ट कर लूँ और दो सॉर्टेड अरे को मर्ज करने पर ये मिल जाएगा, है ना। तो इन दोनों को सॉर्ट कैसे करता, तो मैंने सोचा अभी इसमें दो एलिमेंट है तो इसको एक एक बार और तोड़ देता हूँ, तो मैंने एक एक बार और तोड़ा तो यहाँ पे 50 और 40 आया। ठीक है, अब मैंने सोचा यार ये दोनों सॉर्टेड हों तो मैं इनको मर्ज कर सकता हूँ और एक सॉर्टेड अरे बना सकता हूँ। तो देखो तुम 50 और 40 को आराम से मर्ज करके बना सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, कंसेप्ट हमारा ऊपर से आ रहा है कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहली बार में मेरा ये कंसेप्ट था कि मेरे को ये दोनों सॉर्टेड मिल जाए तो ये वाली जो मेन है मेरा वो सॉर्टेड मिलेगा, तो ऐसे में तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आया क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड रहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं देती, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इन दो सॉर्टेड को मर्ज कर देंगे, दो सॉर्टेड को मर्ज करेंगे कैसे करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, एक आई यहाँ रखा एक जे यहाँ रखा, आई और जे को कंपेयर करा, क्या कंपेयर करा, छोटा कौन सा है, 40, है ना, 40 वाला छोटा है, तो मैंने इसको मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया तो 40 पहले आ गया, 50 बाद में आ गया। ठीक, समझ आया। इधर भी देखो, जब इधर वाला सब प्रॉब्लम यहाँ पे जब बनी हमारी 60 और 10, मैंने बोला यार इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, अब ये दो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इनको मर्ज करना आसान हो जाएगा, यानी कि इनको मर्ज कर दूँ मैं, टू सॉर्टेड अरे को मर्ज करना है, टू सॉर्टेड एलिमेंट है, इनको मर्ज करना कितना आसान हो जाएगा, एक आई यहाँ रखूँ एक जे यहाँ रखूँ, छोटा कौन सा 10 के बाद मेरा 60 आएगा। ठीक है, अब मेरी क्या कंडीशन थी, ये मेरे को मिल गए, ये मेरे को कौन से एलिमेंट्स मिले, देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे 50 40 60 10 पे मैंने जब दो में इनको डिवाइड किया था 50 40 और 60 10, तो मेरी ये नीड थी कि यार ये दोनों मुझे सॉर्टेड मिल जाए, ये दोनों सॉर्टेड मिल जाएंगे तो मैं इसको ये वाला सॉर्टेड बना सकता हूँ, अगर ये सॉर्टेड मिलेंगे तो सॉर्ट को मर्ज करके ये बना सकता हूँ, है ना। तो तुम देखो अब ये वाले दोनों सॉर्ट बन गए, इनको मैंने दो में तोड़ के वापस आ गया, तो ये वाला यहाँ सॉर्ट हो गया, ये वाला यहाँ सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो चुके हैं, अब ये सॉर्ट हो चुके, तो इन दोनों से ये बनाना है, अब ये बनाना है लेकिन ये वाला अरे नहीं बनाना है, इसको सॉर्टेड फॉर्म में बनाना है। कैसे सॉर्टेड फॉर्म में बनाएंगे, मैंने आई और जे बताया तुमको भी, देखो ये आई यहाँ रखा फर्स्ट पे, जे यहाँ पे फर्स्ट पे रखा, अब मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, फर्स्ट एलिमेंट आई और जे मैंने कंपेयर करा, जे छोटा है, ठीक है, तो मैंने जे को यहाँ पे लिख दिया 10 और जे को इंक्रीमेंट कर दिया सेकेंड एलिमेंट पे। ठीक, अब मैंने आई और जे को फिर से कंपेयर किया, 40 और 60 कंपेयर किया, 40 छोटा है तो मैंने लिखा 40, आई को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब 50 और 60 को मैंने कंपेयर किया, 50 छोटा आ रहा है, मैंने 50 लिखा, और फिर आई को मैंने और आगे बढ़ा दिया तो आई मेरा खत्म हो गया। जैसे ही ये आई इसके बाहर चला गया तो जितने भी एलिमेंट्स बच रहे ना जैसे लेके आखिर तक, वो सारे एक साथ आ जाएंगे, अगर 60 पर 70 भी होता ना तो दोनों एक साथ आते, है ना, क्योंकि ये तो खत्म हो गया और वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये 50 हुआ, अब जे के जितने बचने वाले आएंगे तो ये 60 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, यानी कि इसको तो मैंने सॉर्ट कर दिया, मेरी सबसे पहली नीड क्या थी, दो सॉर्टेड मिलने चाहिए, इन दोनों को अपन मर्ज करेंगे, है ना, ये तो मेरे को सॉर्टेड मिल गया। अब इसको सॉर्टेड लाना है अपने को, देखो ध्यान से, इसको सॉर्ट करना था इसलिए मैंने इसको दो में तोड़ा। ठीक है, अब मैं इसको और तोड़ सकता हूँ इसलिए मैंने इसको दो में और तोड़ा, अभी ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, तो 20 पहले आ जाएगा, 70 बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 20 और 70 आ चुका है मर्ज हो, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 30 है, तो मेरे को 30 को भी इसमें मर्ज करना पड़ेगा सॉर्टेड ऑर्डर में, ताकि मुझे ये वाला जो अरे है यहाँ पे सॉर्टेड मिल जाए। ठीक है, मैंने दो हिस्सों में तोड़ा था उसको, ये भी सॉर्टेड चाहिए था। ठीक है, तब मैंने 30 को भी इसमें मर्ज करने की कोशिश की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आई यहाँ रखा जे यहाँ रखा, देखो 20 इज लेस देन 30, 20 पहले आ गया, अब देखो 70 ए आई आ गया यहाँ पे, 70 इज नॉट लेस देन 30 तो पहले 30 आया, जे चला जाएगा आगे, अब जितने भी एलिमेंट आई से लेकर सारे यहाँ पे आके मिल जाएंगे। ठीक, तो ये वाला भी सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया, कौन सा वाला, इधर वाला पार्ट भी सॉर्ट हो गया, इधर वाला पार्ट भी सॉर्ट हो गया, अब लास्ट स्टेप क्या बचती, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, है ना, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। फिर से समझा देता हूँ, मर्ज सॉर्ट का कंसेप्ट बहुत ही एकदम आसान कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, डिवाइड मतलब डिवाइड करना, कॉन्कर मतलब ऐड करते जाना, तो डिवाइड करने का क्या है, कुछ थोड़ा सा प्रिंसिपल है उसका,
एक कोई वेरिएबल लेफ्ट यहाँ रख लूँ, राइट यहाँ रख लूँ, इनका मिड निकालते जाऊँ। ये मेरा मिड निकल गया तो मैं लेफ्ट से लेकर मिड तक पे एक अलग हिस्सा कर दूँ, और मिड से लेकर राइट तक मैं एक अलग हिस्सा कर दूँ। ये लेफ्ट से लेके मिड था, ये मिड से लेके मिड प्लस वन से लेके राइट था, ठीक। तो मेरी क्या नीड है, ये दोनों मेरे को सॉर्टेड मिले, ठीक है। ये दोनों मेरे को अगर सॉर्टेड चाहिए तो मैंने सोचा कि अभी और सब प्रॉब्लम्स पर डिवाइड हो सकता है, और हो सकता था तो मैंने इसको फिर हाफ हाफ करा ना, इसको एल लिया, इसको राइट लिया, इन दोनों का फिर मिडिल निकाला, यहाँ पे आएगा 50 से 40 अलग करा, 60 से 10 अलग करा, इधर भी सेम टू सेम अलग करा। कब तक अलग करते गए, जब तक मेरे को सिंगल एलिमेंट्स नहीं मिल गए। सिंगल एलिमेंट मिलने का मतलब यही होता है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, एक एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है ना, इसीलिए मुझे ये 50 और 40 में यहाँ पे लेके आया, 50 और 40। अब मेरे को इन दोनों को मर्ज करना था, ठीक है। मर्ज टू सॉर्टेड अरे अगर मेरे को करना है ना, मर्ज टू सॉर्टेड अरे का कंसेप्ट मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, वो क्या कंसेप्ट है मर्ज टू सॉर्टेड अरे का। लेकिन तुम यहाँ पे समझो 50 और 40 था, तो मैं तुमको बताया यहाँ पे मैंने इनको कंपेयर करा यार, पहले 40 आएगा फिर 50 आएगा, यहाँ पे मैंने इन दोनों को कंपेयर करा यार 10 पहले आएगा फिर 60 आएगा, फिर इन दोनों को मैंने कंपेयर करा, तो एक एक एलिमेंट शुरू से कंपेयर करता गया, 10 40 इधर आ गया, फिर 50 आएगा, फिर 60 आएगा, ठीक है। तो ये वाला सॉर्टेड मिल गया, ये वाला भी सॉर्टेड मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे सॉर्ट करेंगे, वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे। कैसा कंसेप्ट लगाएंगे, 10 40 50 60 थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। इन दोनों को अगर मेरे को मर्ज करना है ना, तो मैंने आई यहाँ पे रखा, जे यहाँ पे रखा, आई और जे मर्ज टू सॉर्टेड अरे जो है वही समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि मतलब मर्ज कैसे करना है, उसकी क्या एल्गोरिदम बैठ रही है, ठीक है। कॉन्फर कैसे करना है, जोड़ना कैसे चीज़ों को, तो चीज़ों को कैसे जोड़ना है, हम सॉर्टेड अरे हैं उनको मर्ज करके एक पूरा सॉर्टेड अरे कैसे बन रहा है वो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे स्टेप्स में समझाया तो सही, लेकिन थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझना जाएगा। आई यहाँ रखा, जे यहाँ रखा, अब मैंने देखा आई वाली वैल्यू जे से छोटी है, ठीक है। तो मैंने आई का वैल्यू ले लिया, ठीक है, और आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, आई मैंने यहाँ पहुँची, वापस मैंने आई और जे को कंपेयर करा, अरे यार मेरा जे छोटा आ रहा है, आई बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जे को लिया और आगे बढ़ाया, यहाँ पे मैंने जे को 20 ले लिया, फिर चेक करूँगा 40 और 30 में कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है तो 30 को मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक। फिर से चेक करेंगे, 30 को लिया तो फिर जे आगे बढ़ जाएगा, अब 40 को 70 से कंपेयर करेंगे 40 आएगा, ठीक। फिर आई आगे बढ़ जाएगा, फिर आई वाली वैल्यू 50 और जे वाली वैल्यू 70 को कंपेयर करा, 50 छोटा आ रहा है यार, तो मैंने 50 ले लिया और आई को आगे बढ़ा दिया, है ना। अब मैंने फिर 60 और 70 को कंपेयर किया, तो मैंने देखा यार 60 छोटा आ रहा है, तो मैंने 60 लिखा और आई को आगे बढ़ा दिया, तो आगे यानी यहाँ चला जाएगा। अब देखो तुम, आई अगर खत्म हो गई, ये वाला अरे पूरा खत्म हो चुका है, तो जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं यहाँ पे, फिर 70 बच गया, सपोज यहाँ 80 भी बचता ना अगर, तो जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो सारे आ जाते एक साथ, तो 70 बच रहा, फिर 70 आ गया। अब ये पूरा तुम्हारा सॉर्ट हो, इसको सॉर्ट करना था, ये सॉर्ट हो चुका है, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक। तो मर्ज सॉर्ट सिंपल एल्गोरिथम पे बेस्ड है, क्या है वो, डिवाइड एंड कॉन्कर करना रहता है, डिवाइड सबसे पहले डिवाइड करना रहता है, डिवाइड करना रहता है तो आधे आधे में मैंने डिवाइड कर दिया, और क्यों आधे आधे में डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम चाहिए, ठीक है। एन लॉग एन में मेरे को इसको करना था, है ना, किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक को मैंने एन लॉग एन में अगर मेरे को बनाना है तो मैं उसको बीच बीच में से डिवाइड करता जो बार बार तो ही बनेगी, इसलिए मर्ज सॉर्ट यही देता है तुमको, आधा आधा डिवाइड किया, आधा आधा डिवाइड किया, क्यों किया, उसका क्या रीजन है ये भी मैंने बताया। फिर तुमको जब दो सॉर्टेड अरे मिल जाएंगे ना, ये दो यहाँ पे मिल गए थे, ठीक है, तो इनको मर्ज करके सॉर्टेड अरे बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा। दो सॉर्टेड मिल गए ऑलरेडी, तो हम एक वेरिएबल आई यहाँ से चला देंगे, जे यहाँ से चला देंगे, और उनको मर्ज कर लेंगे तो अपने आप सॉर्टेड मिल जाएगा। तो मेरे को यार ये सॉर्टेड चाहिए था, ये सॉर्टेड चाहिए था, तो मैंने सोचा यार इसको सॉर्टेड सॉर्ट करना है मेरे को, तो क्यों ना इसको दो सब प्रॉब्लम्स में मैं डिवाइड करूँ, तो मैंने दो में और कर, फिर मैंने दो में और करा, क्यों करता गया, ताकि सिंगल एलिमेंट आ जाए, सिंगल एलिमेंट आएगा तो वो अपने आप में सॉर्टेड रहेगा, ये अपने आप में सॉर्टेड है ना, तो फिर अपने आप में सॉर्टेड था, तो इन दोनों को मर्ज करा, यहाँ पे मर्ज करा, ये आया, फिर यहाँ से चले ये ये ये, ठीक है। तो ये है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अभी मैंने जो इसकी साइज थी ना वो लिखी एन इक्वल्स टू 7 लिखी, ठीक है, ये मैंने लिखी ऑड नंबर, ठीक है। अब अगर मैं इवन नंबर से भी मैं तुमको एक एग्जांपल इसमें समझा देता हूँ डायग्राम वाइज कैसे होगा, उसके बाद इसके एल्गोरिथम अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोड इसका डिस्कस करते हैं फिर बोर्ड पे, ठीक है। तो मैंने ये वाला केस लिया जिसमें मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इवन आता है, देखिए एन इक्वल्स कितना आ रहा है मेरा, 6 आ रहा है, एन इक्वल्स टू 6 आ रहा है ना। अब मैंने इनके इंडेक्सिंग दे देता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का जो पूरा कंसेप्ट था वही कंसेप्ट इसके ऊपर लगाए अगर, है ना, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ बॉक्स में, है ना, 6 by 2 3 आ रहा है, तो मेरे को तीन तीन एलिमेंट अलग अलग तोड़ना है, ठीक है। तो ये तीन इधर अलग कर लिए, ये तीन मैंने अलग कर लिया, दो दो मैंने तोड़े, इसमें ये आ रहा है 0 1 2 यानी कि 50 20 और 80, ठीक है। इधर की साइड आ रहा है मेरा 10 70 और 30,
को क्या चाहिए, ये दोनों सॉर्टेड चाहिए, दो सॉर्टेड अरे को मर्ज करना, मैंने तुमको भी बताया, तो वो मैं इसको करके फिर वापस ला सकता हूँ, मेरा अरे सॉर्टेड ला सकता हूँ, है ना। तो इन दोनों को सॉर्टेड चाहिए, इसलिए मैंने देखा यार इसको अभी और डिवाइड किया जा सकता है, मैं इसको और डिवाइड किया तो यह 50 और 20 में, और 80 10 और 70 30, ठीक है। फिर इसको डिवाइड किया जा सकता था, तो ये 50 और 20 में डिवाइड हुआ, ये 10 और 70 में डिवाइड हुआ, है ना। ये डिवाइड का प्रोसीजर खत्म हो गया, कब खत्म होता है, जब सिंगल सिंगल एलिमेंट हमारे पास मिल गए, क्योंकि अपने आप में सॉर्टेड होते हैं, है ना, ये अपने आप में सॉर्टेड होते हैं, इसलिए सिंगल एलिमेंट मिलकर वहाँ पर डिवाइड वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद में कौन कर यानी कि जोड़ना है, तो मैंने मर्ज टू सॉर्टेड अरे वाला कंसेप्ट लगाया, इसमें छोटा कौन है 20 पहले आया, फिर 50, ठीक है। अब ये 80 को भी जोड़ा इसमें, तो कितना आ जाएगा 20 50 और 80, ठीक। उसके बाद में मैंने इन दोनों को जोड़ा, 10 और 70 आया, फिर ये 30 आया, इन दोनों को मैंने मर्ज टू सॉर्टेड अरे वाला कंसेप्ट लगाया, तो पहले 10 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 70 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों मेरे को मिल गए सॉर्टेड ऑर्डर में, अब इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, एक पॉइंटर यहाँ रखा, एक पॉइंटर यहाँ रखा, जो छोटा होगा उसको लेते जाओ और उसका वेरिएबल बढ़ाते जाओ, एंड ठीक है, फिर 20 आएगा, फिर 30, फिर 50 70 और 80, ठीक है। तो तुमको समझ आ गया ये पूरा, है ना, ये कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे मैंने अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में इसको तोड़ा, तोड़ते गए और फिर रिकर्सिवली मैं सबको क्या करता गया, ऐड करता गया, है ना। अपन अब इसका कोड लिख के देखते हैं कि कैसे हमको ये प्रोसेस कैसे करनी है, इतनी बड़ी प्रोसेस जो है तोड़ना है, उसके बाद में जोड़ना कैसे करना है, वो अपन देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, एक फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे मर्ज सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन है। उसमें मैं तीन चीजें लूंगा, तीन चीजें, यानी कि पहला तो मेरा अरे, दूसरी चीज एक लो लेफ्ट वाला, दूसरी चीज लेफ्ट, तीसरी चीज राइट। लेफ्ट राइट क्यों ले रहा हूँ, देखो हर बार लेफ्ट राइट इसलिए लेने की जरूरत है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में लेफ्ट ये था, राइट ये था, तभी तो मैं इसका मिडिल एलिमेंट निकाल पाया, तो मेरा मिडिल यहाँ आया, मिडिल प्लस वन यहाँ आया, आया तो एल से लेके मिडिल तक मेरे को अलग बनाना था, मिडिल प्लस वन से लेकर राइट तक अलग बनाना था, तो मैं फंक्शन कॉल में लेफ्ट मेरा मिडिल प्लस वन होगा, राइट मेरा आर होगा, इधर लेफ्ट मेरा लेफ्ट ही होगा, लेकिन जो मेरा राइट होगा वो यहाँ पे मिडिल बन जाएगा, ठीक है। और फिर से इन दोनों का मिडिल निकलेगा, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट और राइट ले लिया, ताकि मैं मिडिल एलिमेंट निकाल पाऊँ बाद में कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं, अगर लेफ्ट और राइट जो है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट है ये राइट है, अगर लेफ्ट लेस देन हुआ राइट से तभी तो मैं काम करूंगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट था ये राइट, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट और राइट एक ही पे आ गया, जब सिंगल एलिमेंट मिलेगा तो अपने आप में सॉर्टेड है, मैंने बताया है ना। तो जब लेफ्ट लेस देन राइट हो तभी हमें करना है हमारे ऑपरेशन परफॉर्म, तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अपन वो देख लेते हैं, है ना। तो मैं पहले मिडिल निकालता हूँ, एंड मिडिल, मिडिल क्या होगा मेरा लेफ्ट प्लस राइट बाय टू, मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स निकाला। अब मेरे को क्या चाहिए, लेफ्ट से लेके मिडिल तक जाना है, मिडिल प्लस वन से लेकर राइट तक जाना है, दो सब प्रॉब्लम तभी टूटेगी। तो मैं मर्ज सॉर्ट को फिर से यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मर्ज सॉर्ट, ठीक है, अरे वही पास कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट, लेकिन राइट जो है इस पार्ट का राइट क्या हो गया, लेफ्ट से लेके मिडिल तक, ठीक, समझ आ रहा है, नहीं दो में तोड़ा, लेफ्ट से लेके मिडिल तक, मिडिल प्लस वन से लेकर राइट तक। अगला फिर एक बार और फंक्शन को कॉल किया, तो मैंने क्या किया, मिडिल पहले यहाँ पे तो अरे आएगा, लेफ्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, मिड माइन मिड प्लस वन, राइट मेरा राइट ही रहेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। क्या करें, सिंपली लेफ्ट और राइट ले रहा हूँ मैं, फिर लेफ्ट अगर लेस देन राइट हुआ तो मैं मिडिल एल प्लस आर बाई टू निकाल रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे निकलता हूँ, उसके बाद में इसको तोड़ते जाता हूँ, ठीक है। अब ये तोड़ने का काम तो खत्म हो गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, तोड़ते जाएंगे, कब तक तोड़ते जाएगा, ये जब तक एल लेस देन आर है जब तक तोड़ते जाएगा, ना सिंगल एलिमेंट मिलते जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, मर्ज करना है, मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए तुम्हें अलग फंक्शन तुमको बनाना पड़ेगा, चलो उसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, उसका नाम मैं रख रहा हूँ मर्ज टू सॉर्टेड अरे, मर्ज टू सॉर्टेड अरे, ठीक है। उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, उसमें अगर पास कर रहा हूँ अरे, अरे पास करूंगा, ठीक, यहाँ पर मैं लेफ्ट पास करूंगा, मिड पास करूंगा और राइट भी पास करूंगा। अब तुम बोलोगे यार लेफ्ट मिड और राइट क्यों पास कर रहे हो, तो सपोज कि तुम्हारे पास ये वाला अरे था, जब तुमने इसको तोड़ा, ये दोनों मान लो सॉर्टेड आके मिले तुमको, ये 20 50 80 मिला और 10 30 70 मिला,
है ना, तो तुमको इसको अगर ऐड करना है तो तुमको लेफ्ट से लेकर मिड एक अलग है और मिड प्लस वन से लेकर राइट अलग है, ठीक है। तो जे को जब अगर मैं प्लेस करूंगा, यहाँ पे तो मैंने आई प्लेस कर दिया, यहाँ पे मेरे को जे प्लेस करना है, तभी मैं कंपेयर कर करके इसको सॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो जे को अगर मेरे को प्लेस करना है, जे को मेरे को अगर यहाँ पे प्लेस करना है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, मिड प्लस वन होगी ना, इसलिए मैंने मिड भी पास किया, इसका राइट भी पास किया, ताकि ये खत्म हो जाए तो जितना ये बचेगा उतना पूरा प्रिंट कर दूँ। सेम टू सेम इधर भी कि लेफ्ट से लेकर मिड तक एक अलग है और मिड प्लस वन से राइट अलग है, इसीलिए मैंने मस्ट टू सॉर्टेड अरे में ये पास किया, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ खत्म, ये वाला ब्रैकेट यहाँ खत्म, ये इतना कोड खत्म, ठीक है। मर्ज सॉर्ट खत्म, सही में भी हो गया खत्म, मजाक नहीं कर रहा। देखो इतना सा कोड है सिर्फ, अब ये तुमको ये वाला जो है इसका कोड अलग से लिखना है, ये क्या मर्ज टू सॉर्टेड अरे। मर्ज टू सॉर्टेड अरे का कंसेप्ट मैंने बताया, एक एलिमेंट आई यहाँ रखो, जे यहाँ रखो, जो छोटा उसको लेते जाओ और जो बड़ा हो उसको पॉइंटर को वहीं पे रखो, ठीक है। एक अगर खत्म हो जाता है अरे, दूसरा पूरा प्रिंट हो जाए, पहला खत्म हो गया तो दूसरा हो जाए, दूसरा खत्म हो गया तो पहला प्रिंट हो जाए, इतना सा सिर्फ कोड है। अब मर्ज टू सॉर्टेड अरे का कोड मैं बता देता हूँ, ये समझ में आ गया अच्छे से। तो मैंने मर्ज टू सॉर्टेड अरे का एक केस ले रखा है, पर्टिकुलर केस ले रखा है, जिसमें लेफ्ट जीरो दिया है, राइट फोर दिया और मिड टू दे रखा है, ठीक है। लेफ्ट जीरो, राइट फोर दे रखा है और मिड टू दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों सॉर्टेड अरे हैं अपने आप में 20, 50, 80 और 10, 30, इन दोनों को मेरे को मर्ज करना है और एक नया सॉर्टेड अरे मेरे को मिलना चाहिए उससे, ठीक है। यही मैं इस फंक्शन कॉल में कर रहा था, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका कोड लिख रहा हूँ, इसके अंदर की क्या कोड आएगी, जैसे मैंने ये मर्ज टू सॉर्टेड अरे, ये जो भी मेरा है इसमें मैंने क्या किया, ए आर और एल, मिड और राइट मैंने पैरामीटर वहाँ से पास किए थे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर का कोड तुमको लिख के बता क्या कोड होने वाला है। देखो जो कंसेप्ट अपन ने अभी समझा था ना आई और जे वाला, सेम टू सेम वही कंसेप्ट लगाना है, एक आई को यहाँ रखना है, जे को यहाँ रखना है, ठीक है। अभी हमारा लेफ्ट कितने पे है, जीरो पे, यानी कि लेफ्ट मेरा यहाँ है, राइट कहाँ पे, फोर पे, ये राइट यहाँ पे, मिड कहाँ पे, टू पे, ये मेरा मिड यहाँ, ठीक। आई यहाँ पे रखना है, जे यहाँ पे रखना है, चलो रखते हैं। मैंने लिखा एंड आई इक्वल्स टू, यहाँ पे रखना है मतलब लेफ्ट पे रखना है, लेफ्ट, ठीक है। अब एंड जे इक्वल्स टू, जे कहाँ पे रखना है, मिड प्लस वन पे रखना है, ये मिड यहाँ पे, मिड में एक जोड़ दूँ तो आ जाए, तो मिड प्लस वन पे रखना जे को। अब मैं इसमें ना एक वेक्टर और एक वेक्टर या एक अरे कोई सा एक तुम और बना के चलना बी एन साइज का, क्योंकि क्यों बना के चलना, क्योंकि ना तुमको जब मर्ज करोगे इन दोनों को, जब तुम मर्ज करोगे और एक सॉलिड अरे बनाओगे, तो वो जो बनेगा वो बी में बन जाएगा और फिर बी को तुम ए में कॉपी कर लेगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक बी बना दिया, सपोज मैंने बी बना लिया, ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग के लिए मैंने एक के और ले लिया, इसकी जो इंडेक्सिंग है ना उसके लिए मैंने के और ले लिया, के को मैंने लेफ्ट पे रखा। अभी समझते जाना क्यों ले रहा हूँ के, वो सब समझ में जाएगा अभी, ध्यान से देखना। अब तुमको क्या करना था, मैंने तुमको क्या बताया था, के वाइल लूप लगा दो, कब तक लगा दो, जब तक आई, यानी कि आई जो है या तो वो मिड तक पहुँच जाए तो ये खत्म हो जाएगा, या फिर जे यहाँ तक पहुँच जाए 30 तक तो ये खत्म हो जाएगा, दोनों में से एक जब तक खत्म होगा जब तक हमको लूप लगा, ठीक है। एक अगर खत्म हो गया, सपोज ये खत्म हो गया, तो फिर दूसरे में जितने एलिमेंट्स बचे रहे वो एज इट इज उसके लास्ट में आके आ जाएंगे, समझ आ रहा है ना। किसी जैसे इजी एग्जांपल में देखूंगा तुमको, देखो ये जैसे 20 और 10 है ना, तो 20 और 10 में छोटा कौन है, 10 है, 10 आ गया, ठीक है। फिर जे यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ पे रहेगा 20 में, 20 और 30 फिर कंपेयर होंगे, 20 छोटा आ रहा है तो 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 30 और 50 कंपेयर होंगे तो तुम देखोगे 30 छोटा है तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम देखो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये वाले सेक्शन के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं 10 और 30, तो इधर जो भी बच रहा है वो एज इट इज आ जाएगा ना, क्योंकि वो सॉर्टेड है, यहाँ पे 50 और 80 एज इट इज आ गए, ये समझ आ गया कैसे। ये इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब जब तक मेरा आई लास्ट तक नहीं पहुंच जाए इसको, मिड से कम हो, मिड या मिड के इक्वल ये से कम हो, है ना, एंड एंड जे जो मेरा है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाए मेरा राइट, तब तक मैं लूप चलाऊंगा। लूप के अंदर क्या लिखना है, सीधी सीधी सी कंडीशन लिखनी है और कंडीशन अपन लिखते जाते हैं। पहली कंडीशन, अगर मेरा आई वाला एलिमेंट जे वाले एलिमेंट से छोटा है, अगर मेरा ए आर ऑफ, ए आर मैंने लिया था, आई वाला एलिमेंट लेस देन है ए आर ऑफ जे वाला एलिमेंट, छोटा है ये, छोटा भैया ये बड़ा है मान लो, ठीक है। अगर ये होता तो तुम क्या करते, तुम क्या करते भैया, बी ऑफ, मैं जो मेन अरे है मेरा ना, जो इन दोनों को सॉर्ट करने का जो मेन एक अरे बनेगा वो मैंने बी ले रखा है, बी, तो इन दोनों को अगर ये छोटा हुआ इससे, ये इससे छोटा हुआ तो दूसरे अरे में डाल दूंगा मैं क्या, बी में सबसे पहले इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे, सबसे पहले इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे बी में क्या डाल दूंगा, ए आर ऑफ आई, ठीक है। आई डाल दिया, आई डालने के बाद आई को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है।
और ये वाला क्लोज होगा, ठीक। सेम टू सेम इफ में ये लिख दिया, एल्स में, एफ एल्स में मतलब ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, ठीक है। अगर ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा हुआ तो मैं बी ऑफ के में क्या डालूंगा, एयर ऑफ जे डालूंगा, ठीक है, और मैं जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। ये एफ पार्ट हो गया और ये एल्स पार्ट हो गया, समझ आ गया ना। अगर जो छोटा होगा उसको लेते जाऊंगा और उसको बढ़ाते जाऊंगा दोनों तरफ। अब तुम बोलोगे अरे ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तुमने रोक दिया इसको, एल पे के को भी तो बढ़ाओ। तो ये जो वाइल लूप है ना, इसमें ये इफ कंडीशन, ये एल्स कंडीशन, उसके बाद जस्ट लास्ट में तुम के को प्लस प्लस कर देना, ये वाइल लूप यहाँ पे आगे क्लोज हो गया, ये बन गया हमारा वाइल लूप खत्म। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, सेम इसी कंडीशन में अगर मैं देखूँ तो 10 और 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, है ना। जैसे 30 आया तो जे यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, आर प्लस वन पे पहुंचेगा। तो मैंने ये कंडीशन दी थी जब तक लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा नहीं 50 और 80 रह गए। तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला यहाँ पे वाइल लूप खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि जब तक आई यहाँ तक नहीं पहुंच जाए और जे यहाँ तक नहीं पहुंच जाए तब तक मेरा वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप चलता जाएगा उसमें कंडीशन चेक होती जाएगी कि कौन सा एलिमेंट छोटा है। जो भी एलिमेंट छोटा होगा उसको मैं पुट करूंगा और उस एलिमेंट का जो इंडेक्स है आई उसको बढ़ा दिया, या फिर जे वाला जे को बढ़ा दिया। एक खत्म हो गया तो इसको पता है फिर दूसरे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो अभी मैंने यहाँ तक चलाया कि अगर मान लो जे 30 तक आ गया और अभी 50 और 80 बचा है तो उसको भी पुट करने के लिए फिर एक लास्ट हमारा मिल जाएगा। अगर अगर है ना, या तो ये कंडीशन हो जाएगी या ये हो जाएगी, या दोनों हो जाएगी तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर मेरा आई जो है वो इक्वल हो जाए किसके, मिड प्लस वन, यानी कि वो यहाँ से आगे बढ़ गया है मिड प्लस वन, ठीक है, मिड प्लस वन। तो जे में जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो सारे मेरे को ऐड करने हैं बी में, है ना। तो जे में जितने बचे हैं, वाइल लूप लगाया मैंने जे के लिए, जे में जितने एलिमेंट बचे हैं, जे वाला लूप जो है उसमें जितने एलिमेंट बचे इतने वाले सेक्शन में, तो मैंने वाइल लूप लगा दिया। तब तक जब तक जे मेरा लेस देन इक्वल्स टू है आर के, तब तक मैं क्या करता जाऊँ, सिंपली क्या करता जाऊँ, बी ऑफ के में ए आर ऑफ जे को ऐड करता जाऊँ, ठीक है, और जे को इंक्रीमेंट करता जाऊँ। ये मेरा वाइल लूप खत्म, ठीक, और ये मेरी कंडीशन खत्म। अगर आई यहाँ तक पहुँच गया तो जे के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में ऐड हो जाए, है ना। अभी फिर से देखो, के को मैंने यहाँ पे रख दिया, के को मैंने इंक्रीज नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं के को इंक्रीज करूँगा हर बार, ये बढ़ता जाएगा जब तो वो आगे वाले एलिमेंट्स पुट होता जाएगा, ठीक है। ये आया समझ, अगर आई यहाँ तक पहुँच गया तो जे में जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो बी में डल जाएंगे, ठीक है। अब जे खत्म हो गया, अगर जे वाला खत्म हो गया पहले ये भी खत्म हो सकता है, ये भी हो सकता है जे वाला हो गया, तो सेम टू सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, इतने सेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, यानी कि आई लेस देन जब तक क्या मिड तक नहीं आ जाए, जब तक चलता जाए लूप, और क्या चलता जाए, बी ऑफ के में ए आर ऑफ आई आता जाए, आई को इंक्रीमेंट करते जाओ और के को भी इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक। यस ये ठीक है, ये पुट करने का वाइल लूप, ये भी पुट करने का वाइल लूप, ठीक है। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार फटाक से बता रहा हूँ क्या हुआ इसमें। मैंने आई और जे पॉइंट करें, ए आई को यहाँ रखा और जे को मैंने यहाँ रखा, है ना, लेफ्ट पे मैंने आई को करा, जे को मैंने मिड प्लस वन पे मैंने जे को रखा, फिर मैंने एक अरे बना लिया। क्यों बना लिया, ताकि मैं जब इनको सॉर्टेड अरे दोनों ही इनको जब मैं सॉर्ट करूंगा साथ में, तो मैं एक अरे में डालना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक अरे बना लिया बी, है ना। के मैंने ले लिया ताकि इस अरे को जब मैं फिल करूंगा ना तो इसके इंडेक्सिंग में के से लूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने के ले लिया। वाई लूप लगाया, कब तक लगाया, या तो ये खत्म हो जाए या तो ये खत्म हो जाए, ये वाले लूप में, या तो ये आई यहाँ तक पहुंच जाए मिड तक, या फिर जे जो है आर तक पहुंच जाए, यानी कि मिड प्लस वन तक या आर प्लस वन तक पहुंच जाए, जब तक मेरा लूप चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा कि अगर आई मिड प्लस वन तक पहुंचा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जे में जितने एलिमेंट्स बचे गए, जितने भी बच गए वो सारे में उसमें बी में डाल दूंगा, या फिर सपोज पहले जे वाला खत्म हो गया, ठीक है, तो आई में जितने एलिमेंट्स बचे वो सारे में बी में डाल दूंगा, ठीक है। इन सब के बाद मर्ज टू सॉर्टेड अरे में ये सारा करने के बाद सिर्फ तुमको एक स्टेप फॉलो करनी है। वो स्टेप क्या होने वाली है, अरे जो है ना अपना अरे, ये जो बी मैंने बनाया था अभी, बी में दोनों सॉर्ट होके आ गए, तो उसको अरे में कॉपी भी तो करना पड़ेगा, है ना, कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी करने का सीधा सीधा कोड है, कॉपी कैसे करोगे, इसके बाद इस स्टेप के बाद सिर्फ एक छोटा सा कोड और आएगा, ठीक है। तो मेरे को एक और कोड लिखना है सिर्फ, कि जब तक मेरा कॉपी करना है सिर्फ, मेरे को जो बी मिला है ना मेरे को उसको ए में भी तो डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बी तो फिर इसी में रह जाएगा, इसमें रहने का क्या मतलब, मेरे को ए में ए आर में चाहिए, ए आर में चाहिए ना, तो मेरा मेन अरे उसमें मेरे को चेंजेस चाहिए। तो फिर मैं लिखा फोर आई इक्वल्स टू एल से आई लेस देन इक्वल्स टू आर तक आई प्लस प्लस,
उससे सिंपल सिंपल तो बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू वी ऑफ आई, ये हो गया ठीक। ये वाला जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया। इस कोड के बाद इतना सा पार्ट और आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि मेरे को मेन अरे में मेरे चेंजेस चाहिए थे, मेरे को मेन अरे में मैंने सिर्फ उसको कॉपी कर लिया पूरा बी को और कुछ भी नहीं किया ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे तुम्हारी होती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम खत्म। मैंने पूरा कोड समझाया, पूरा इंटेशन समझाया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दी थी शुरू में, फिर से मैं बता देता हूँ। इसकी बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो या एवरेज केस हो, हर केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही होगी। इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल एल्गोरिथम मानी जाती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, है ना। क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही होगी, एन लॉग एन ही होगी ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इसकी यही रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर बार स्टैक बनता जाएगा, स्पेस क्रिएट होती जाएगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी ठीक। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा दिए। अब तुम इसको एक बार खुद से कोड करना, पूरे दो फंक्शन बना लेना, मर्ज टू सॉर्टेड अरे का फंक्शन बनाना और एक क्या बनाना, मर्ज सॉर्ट। दो फंक्शन अपन ने बनाए थे ठीक है। मर्ज टू सॉर्टेड अरे क्या करेगा? मर्ज करेगा। और वो फंक्शन मर्ज सॉर्ट क्या करेगा? बार बार कॉल करेगा और हमें डिवाइड और कॉन्कर वाला मैकेनिज्म पूरा लगे देगा, है ना। इसमें तुम यूजर से इनपुट लेना, जितने भी साइज का उसको देना इनपुट लेना और फिर तुम इसको पूरा करके देख लेना ठीक। ये मर्ज सॉर्ट अरे पूरा खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।